कांग्रेस अध्यक्ष पद संभालने से पहले मल्लिकार्जुन खड़गे ने बापू को किया नमन, राजीव गांधी को भी दी श्रद्धांजलि। सुबह 10:30 बजे सोनिया सौंपेंगी अध्यक्ष पद की कमान, राहुल भी रहेंगे मौजूद। AIMIM अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने बीजेपी पर मुस्लिम पहचान के खिलाफ होने का लगाया आरोप। ओवैसी ने कर्नाटक के बीजापुर में कहा, बीजेपी मुसलमानों की दाढ़ी टोपी और हलाल मांस को खतरा मानती है। हिजाब के समर्थन में ओवैसी का बड़ा बयान, ओवैसी ने कहा कि वो चाहते हैं कि एक दिन हिजाब पहनने वाली बच्ची भारत की प्रधानमंत्री बने। भारत में मुस्लिमों से भेदभाव का दुष्प्रचार करने वालों को जम्मू कश्मीर के IAS अधिकारी शाह फैजल का जवाब। फैजल ने कहा, भारत में मुस्लिमों को जितनी आजादी मिली है उसके बारे में इस्लामिक देश सोच भी नहीं सकते। असम के ग्वालपाड़ा जिला प्रशासन ने मियां म्यूजियम को किया सील, म्यूजियम कानूनों का उल्लंघन करके संग्रहालय बनाने का आरोप। उद्घाटन के ठीक 3 दिन के अंदर ही म्यूजियम हुआ सील। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें। शिमला के धामी में लगा पत्थर मेला, मेले में 2 समूहों के बीच पत्थरों की जमकर की जाती है बरसात। देवी काली को प्रसन्न करने के लिए सदियों से चली आ रही है ये परंपरा। असम में चक्रवाती तूफान का असर, तूफान से अब तक 1,000 लोग हुए प्रभावित। गाजियाबाद में नशे में धुत शख्स ने की मारपीट और बदसलूकी, मारपीट में पटाखा छोड़ने को लेकर विवाद का मामला सामने आया है, सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा है वायरल। यूपी के सिद्धार्थनगर में दिवाली के दौरान फायरिंग का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, फायरिंग से पहले तीनों के गोली चलाने की ट्रेनिंग देते हुए की भी जानकारी मिली है, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। सिद्धू मूसेवाला मर्डर केस में पंजाबी गायिका अफसाना खान से पूछताछ, 7:00 बजे तक अफसाना खान से NIA ने की पूछताछ। यूपी के फिरोजाबाद में 3 दिन बाद कुएं से जिंदा निकली बच्ची, पुलिस ने सुरक्षित निकाला बाहर, बच्ची का इलाज जारी। यूपी के बहराइच में डसने वाला सांप लेकर अस्पताल पहुंचा युवक, हालत में सुधार, जिला अस्पताल में इलाज जारी। बरेली में एक बर्तन के गोदाम में लगी भीषण आग, फायर ब्रिगेड आग बुझाने में जुटी। यूपी के कन्नौज में 2 समुदायों के लोगों में मारपीट, बवाल में 2 लोग घायल हुए, मामले की जांच में जुटी पुलिस। अमेठी में ATM से निकले जाली नोट, पीड़ित ने पुलिस में दर्ज करवाई शिकायत। और अब आपको दिखाते हैं अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान ने जल चुनाव कराने के लिए मार्च की घोषणा की, 28 अक्टूबर को लाहौर से इस्लामाबाद तक इमरान समर्थक निकालेंगे मार्च। ब्रिटेन के नए प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से की बात, रूस ने ब्रिटेन में नई सरकार को लेकर कहा, यूके से बेहतर संबंध की कोई उम्मीद नहीं। बांग्लादेश में चक्रवाती तूफान सितरंग का दिखने लगा असर, तूफान से बांग्लादेश में अब तक 7 लोगों की मौत। रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन का बड़ा बयान, कहा जल्द से जल्द यूक्रेन के साथ किसी बड़े निर्णय पर पहुंचना चाहते हैं। बगदाद में सुरक्षा बलों के साथ प्रदर्शनकारियों की झड़प, भ्रष्टाचार और बेरोजगारी के खिलाफ फिर सड़कों पर उतरे लोग। अमेरिका के फ्लोरिडा में टैंकर में आग लगने से बड़ा हादसा, 4 लोग घायल, हादसे की वजह से इंटरस्टेट हाईवे 95 पर लगा जाम। भारी बारिश से काहिरा में बाढ़ जैसे हालात, शहर की सड़कों पर जलभराव, लोगों को हो रही है बहुत सारी परेशानियां। क्या आप सिलाई सीखने के लिए हजारों रुपए खर्च करने के लिए चिंतित हैं? फ्रीडम ऐप को डाउनलोड करें, 40 घंटों का टेलरिंग कोर्स देखिए और खुद का टेलरिंग बिजनेस शुरू करें।